हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल भर विचार। एसोसिएट कोटर्स लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग थर्सडे 6 जून को होने वाली है, यानी कि कल। इसमें कितना लिस्टिंग गेन मिल सकती है, जानने से पहले हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें। तो इस शुरुआत में लॉस मेकिंग कंपनी रही है, 0.14 लाख के लॉस में था। फिर बाद में इसने अपने प्रॉफिट को रिकवर अपने लॉस को रिकवर कर काफी शानदार प्रॉफिट जनरेट किया। 2023 में 31 दिसंबर तक 75.77 लाख के प्रॉफिट पर आ चुके। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ही अच्छा है। नेटवर्क भी 2.38 लाख से ग्रो करके 141.11 लाख पर पहुंच चुकी है। रेवेन्यू 39.41 लाख से ग्रो करके 397 लाख पर पहुंच चुकी है। 2.72 लाख एसेट को ग्रो करके 364.74 लाख को पहुंचा दिया है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही बेहतरीन है। रेटिंग मुझे देना हो तो मैं इसमें 10 में से 7 या 8 का रेटिंग दे सकती हूँ। रिटर्न ऑफ इक्विटी 76% है। आरओसीई 68.70% है। डेप्ट पर इक्विटी 0.07 है, जो कि न के बराबर है। रिटर्न ऑफ नेटवर्क 53.27% है। पैट मार्जिन 19.8% है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है। बात करें हम लोग इसकी बिजनेस की, तो 2017 की स्थापित एसोसिएट कोटर्स लिमिटेड आर्किटेक्ट और रियल एस्टेट बिजनेस में एल्युमिनियम एक्सट्रूजन के प्री ट्रीटमेंट और पाउडर कोटिंग की सर्विस प्रदान करती है। इसकी उत्पादन क्षमता 2200 मेट्रिक टन एंड ए ऑटोमेटिक कोटिंग प्लांट और मैनुअल कोटिंग प्लांट के माध्यम से ये उत्पादन करती है। तो बिजनेस इसका ठीक ठाक ही है। एंड इसकी टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो ये 371.14 गुना का सब्सक्रिप्शन इसमें हो चुकी है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 494.99 गुना, अदर्स में 239.63 गुना। बहुत ही शानदार ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 371.14 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बहुत ही सुंदर सब्सक्रिप्शन हुआ, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। निवेशकों ने बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स दिया है इस आईपीओ। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो आज के तारीख में 196 पर ट्रेड करी है। इसकी जीएमपी 75 रुपए है। 121 रुपए कट ऑफ प्राइस है। 61.98% की बेनिफिट दे रही है अपने निवेशकों को। इसकी जीएमपी स्टेबल है एंड शुरुआत से ग्रोथ करते गया है। 21 रुपए से बढ़ करके 75 रुपए पर आ चुकी है। कहीं भी इसकी जीएमपी में उथल पुथल देखने के लिए नहीं मिला है। तो चांसेस है कि कल इसमें जीएमपी एड होकर के ही लिस्टिंग गेन मिलेगा। और जीएमपी अगर एड होती है तो 80-90% की आसपास में इसकी लिस्टिंग गेन मिल सकती है। अगर बाय द वे किसी वजह से इसकी जीएमपी में डिस्काउंट होती भी है तो इसकी लिस्टिंग 40% के आसपास में मिनिमम होनी चाहिए। 20-21% से ज्यादा इसकी जीएमपी ड्रॉ डाउन नहीं होगा। तो मिनिमम लिस्टिंग गेन 40% एंड अधिकतम की बात करें तो इसकी लिस्टिंग 90% के आसपास में हो सकती है। 40 से लेकर 90% प्रीमियम के साथ ही लिस्ट हो जाएगा। चांसेस है कि इसके जीएमपी में और प्रीमियम एड होना चाहिए, जीएमपी में और उछाल आनी चाहिए। आई थिंक सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हैं। समझ में आ रही है वीडियो को लाइक से जोड़ो करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़े करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।